मैं दोनों सवालों का जवाब देना चाहूंगा। प्लीज पहले G20 पे कि देखिए कि जब पूरे दुनिया में इस समय पे जिसको हम कहते हैं कि हेडविंग्स तकलीफ चल रही है, यानी कोरोना वायरस का कोविड हुआ, उसके बाद में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन रशिया का, और सब जगह मंदी चल रही है, यूएस भी जो है 2.1 के GDP पे चल रहा है, तब भारत 7.8 GDP पे चल रहा है। इन्फ्लेशन देखिए भारत का जितना कम हुआ है। तीसरी बात अगर मैं आपको कहना चाहूंगा तो दो बातें देखिए, एक जगह मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जहां पे पॉलिसी पैरालिसिस थी, और यहां पे नरेंद्र मोदी जी की सरकार जहां पे पॉलिसी पुश होती है। दो और बातें मैं कहना चाहूंगा, जहां पे मनमोहन सिंह जी थे वहां पे स्कैम रिडन थी, यानी हर रोज कोई ना कोई घोटाला, और यहां पे पारदर्शिता, एक भी घोटाला नहीं। तीसरी बात स्टेबिलिटी, वहां पे जो था हर रोज कोई ना कोई बम धमाका हुआ करते थे जो 10 साल तो यूपी के, और आज जो है 10 साल से जो स्टेबिलिटी है इसके कारण विदेशी लोग जो आके यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं, घर में जो बिजनेस हो रहा है, इसके जो बढ़ोतरी हुई, इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट हुआ है, मुझे नहीं लगता कि गत 70 साल में इस तरह से जो हुआ था, जिस तरह से डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया और एम्प्लॉयमेंट इसके बारे में बात हुई है। अभी ये सारे जो बातें वो दुनिया में दिखी है, इस तरह से सारे राष्ट्र के अध्यक्ष यहाँ पे आना, बात कर रहा हूँ, उनको सबको साथ में लेके चलना, ये साथ में लेके चलना बड़ा कठिन होता है। एक तरफ यूक्रेन होगा, एक तरफ रशिया होगा, एक तरफ चाइना होगा, और आपको साथ में लेके चलते, ये मुझे लगता है बधाई के पात्र है।